मुझे लगता है, लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। गोवा में दो नाबालिग के साथ रेप की वारदात होती है, मुद्दा गर्माता है, विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो इसी मुद्दे पर गोवा के मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आता है वो काफी आश्चर्य में डालता है। रेप की वारदात के बाद विधानसभा के अंदर सीएम साहब कहते हैं कि परिजनों को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर लड़कियां देर रात बीच पर क्या कर रही थी। खैर, ये पूरा मामला है क्या, कहां इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है और सीएम साहब की टिप्पणी क्या है, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तारीख 25 जुलाई 2021, दिन रविवार, जगह बेनोलिम बीच, गोवा। ठीक इसी दिन दो नाबालिग के साथ जो कुछ होता है उसके बाद सवाल कानून व्यवस्था पर उठने लगे। बेनोलिम बीच पर दो नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगा, चार लोगों पर रेप की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। खुद को पुलिसकर्मी बताकर वारदात करने का आरोप है और रेप के बाद नाबालिगों की पिटाई का भी आरोप है। We have immediately registered cases. We have immediately arrested persons, and law will take its own course. We are taking very seriously. We have already directed officers to investigate this on a merit and take logical conclusion. इस वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है और जांच आगे जारी है, लेकिन इसी बीच गोवा के सीएम के बयान ने हलचल बढ़ा दी। उन्होंने चारों लोगों को अरेस्ट किया है, तुरंत अरेस्ट कर दिया है और उसमें से एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसको सस्पेंड कर दिया है। मुझे लगता है, लेकिन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि माइनर बच्चों को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना। बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो कुछ इंसिडेंट्स गोवा में होता है उसका क्राइम डिटेक्शन रेट मैंने कल बता दिया है, विच इज 90.13, विच इज द हाईएस्ट इन द कंट्री। तो सवाल ये कि क्या लड़कियां डर से घरों के बाहर ही निकलना छोड़ दें? गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के इस तरह के बयान के बाद सवाल खूब दागे जा रहे हैं। सी, द चीफ मिनिस्टर इज क्लियरली अटेम्प्टिंग टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी फ्रॉम द स्टेट टू द पेरेंट्स। एवरी टैक्स पेयर हैज अ राइट टूवर्ड्स अ सेफ एंड सिक्योर towards safety and security of the person। चिंता तो पहले ही अपनों की रहती थी, लेकिन अब चिंता इस बात को लेकर और बढ़ जाती है कि किसी वारदात के बाद ऐसे बयान जो ना आ जाए। सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ सीएम साहब कहते हैं कि लड़कियां आखिर बीच पर कर क्या रही थी, और सोचना परिजनों को भी पड़ेगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।